एलजी साहब खुद 3 फरवरी 2024 को उस पेड़ कटने वाली साइट पे गए थे। एलजी साहब ये बात आज तक छिपा रहे थे कि वो इस लोकेशन पे गए, कि पेड़ काटने के लिए दो तरीके की अलग अलग परमिशन की जरूरत है, एक ट्री ऑफिसर की और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये किसी ने एलजी साहब को बताया? और मुख्य सचिव कह रहे हैं कि एक दर्जन दिल्ली के आला अफसर जो उनके साथ थे, उन्होंने भी एलजी साहब को नहीं बताया कि पेड़ काटने के लिए परमिशन चाहिए, इसलिए बिना परमिशन के ही पेड़ कट गए। ये तो कमाल हो गया दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर। किसी अफसर के अंदर ये हिम्मत नहीं कि उस इल्लीगल डायरेक्शन के बारे में ये कह दे कि ये इल्लीगल डायरेक्शन है, आपके पास परमिशन नहीं है, आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते। कि खुद एलजी विनय सक्सेना पेड़ काटने वाली साइट पे 3 फरवरी 2024 को गए थे। कोर्ट ने जब ये बात पूछी तो कोर्ट में भी इस बात को गोलमोल करके बताया गया, नहीं एलजी साहब वहां नहीं गए थे, एलजी साहब हॉस्पिटल के विजिट पे गए थे। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी अफसरों को अपने अपने हलफनामे दायर करने के लिए कहा, जिसमें कुछ अफसरों ने तो दायर कर दिया है, मगर कुछ अफसर अभी भी विचार कर रहे हैं कि क्या लिखें उसमें। और बड़ी शर्म की बात है कि अफसरों के एफिडेविट में जो काम की लाइनें, वो 2 से 4 लाइन ही काम की है, बाकी सब कहानियां हैं। अगर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है जिसने डिस्क्रिप्टिवली पूरी तफसील से अगर किसी बात को बताया है तो आपको हैरानी होगी, तो वो कोई अफसर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नहीं है, डीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं है, वो डीडीए का ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने डीडीए के आदेश पे वो पेड़ काटे। आप सोचिए कितने शर्म की बात है पूरे प्रशासन के लिए कि वो इस मामले में थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन देने से डर रहे हैं। अब मैं इस चीज पे आऊंगा। तो सबसे पहले तो ये सबूत आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें ये बात स्थापित हो गई कि एलजी साहब खुद 3 फरवरी 2024 को उस पेड़ कटने वाली साइट पे गए थे। और वो बात साबित होती है प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी के हलफनामे से, जिस हलफनामे में वो कहते हैं कि एलजी उस जगह पहुंचे और एलजी ने जो डायरेक्शन दी वो इसमें लिखी हुई। दूसरा एफिडेविट है डीडीए का, डीडीए के मेंबर इंजीनियरिंग मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता ने भी अपने एफिडेविट में लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया हुआ एफिडेविट है, ऑन 3 फरवरी 2024 ऑनरेबल एलजी आफ्टर कंप्लीटिंग द विजिट टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैड अ स्टॉप ओवर ऑन CAPFIMS रोड वेयर ही रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क एम्फेसाइजिंग ऑन द एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट वर्क। एलजी साहब ये बात आज तक छिपा रहे थे कि वो इस लोकेशन पे गए, वो बाकायदा उस सड़क पे रुके जिस सड़क को चौड़ा करने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटा जाना था, और उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस सड़क को तुरंत चौड़ा किया जाए। अब इनका एफिडेविट आगे क्या कहता है आप सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह बात तो तय है कि डीडीए ने यह पेड़ कटवाए और डीडीए के ठेकेदार ने यह पेड़ काटे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा वो बड़ा मजेदार सवाल था, और वो मजाक उड़ाता है दिल्ली की अफसरशाही का,
डीडीए की अफसरशाही का और एलजी साहब के कार्यालय का मजाक उड़ाता है। वो जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न ये है कि जब एलजी तमाम बड़े अफसरों के साथ, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मौजूद हैं, डिविजनल कमिश्नर मौजूद हैं, एनवायरनमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए के सिंह मौजूद हैं, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मौजूद हैं, डीडीए के इंजीनियरिंग मेंबर मौजूद हैं, क्या किसी ने एलजी साहब को बताया कि पेड़ काटने के लिए दो तरीके की अलग अलग परमिशन की जरूरत है, एक ट्री ऑफिसर की और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की? क्या ये किसी ने एलजी साहब को बताया? मेरा सवाल ये है, आज विनय सक्सेना जी को 2 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में, छोटी छोटी बातों पे वह 10-10 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं सीएम साहब को। क्या विनय सक्सेना जी को यह अभी तक मालूम ही नहीं है? वो इतने भोले हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है? उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि जंगल के अंदर अगर पेड़ काटोगे तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है? ये कैसे हो सकता है और ये कैसा मजाक उड़ाने वाला प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अफसरशाही से पूछा कि क्या किसी ने एलजी साहब को बताया? मेरे को लगता है सवाल तो ये होना चाहिए कि ये कैसे एलजी साहब है, इन्हें अब तक ये पता ही नहीं है? ये तो दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है, एक छोटी सी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कोई आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी भी होगा तो उसको पता है पेड़ काटने के लिए आपको ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल को पता है पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। हॉर्टिकल्चर एमसीडी के माली को पता है, माली को 8वीं क्लास माली को पता है दिल्ली में एमसीडी के, कि पेड़ को काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। एलजी साहब को किसी ने बताया या नहीं बताया? मुझे लगता है एलजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए दिल्ली वालों को कि उन बेचारों को पता ही नहीं था अब तक कि पेड़ काटने के लिए परमिशन चाहिए होती है। और आप मजेदार बात सुनिए, दिल्ली के मुख्य सचिव ने जो एफिडेविट दिया है, कोर्ट ने जो पूछा उसके विषय में बताया, पैराग्राफ नंबर 3, 4 पैराग्राफ का एफिडेविट है चीफ सेक्रेटरी का, क्योंकि ज्यादा लिख नहीं सकते ना, ज्यादा लिखेंगे तो बात खुल जाएगी। ठेकेदार लंबा चौड़ा एफिडेविट दे रहा है, दिल्ली के मुख्य सचिव 4 पैराग्राफ का एफिडेविट दे रहे हैं, उसमें भी एक ही पैराग्राफ काम का है और उसके अंदर वो कहते हैं, सुनिएगा, to the best of the knowledge of the undersigned, none of the officials present at the site brought to the notice of honorable lg the orders passed by the honorable court and or the requirement of obtaining permission of tree officer. kamal ho gaya, lg sahab wahan pe dohra hi is cheez ka kar rahe hain ki ped na kaatne ki wajah se sadak chaudi hone ka kaam delay chal raha hai, यही काम है जिसकी वजह से डिले हो रहा है कि पेड़ नहीं काटे जा रहे। ये कह रहे हैं दिल्ली के मुख्य सचिव, ये बात कह रहे हैं और एलजी साहब भी ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है सवाल होना चाहिए उनके ऊपर कि एलजी साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि परमिशन चाहिए, और मुख्य सचिव कह रहे हैं कि एक दर्जन दिल्ली के आला अफसर जो उनके साथ थे उन्होंने भी एलजी साहब को नहीं बताया कि पेड़ काटने के लिए परमिशन चाहिए, इसलिए बिना परमिशन के ही पेड़ कट गए। ये तो कमाल हो गया दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर ऐसा कमाल आप सोच सकते हैं? ये बेवकूफ दिल्ली की जनता को बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट को बनाया जा रहा है दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा, दिल्ली के एलजी द्वारा। मैं एलजी साहब से यह दरख्वास्त करूंगा, एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि यह कैसे संभव है कि आपको यह जानकारी ही नहीं है कि पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसका जवाब तो देना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 यह है, एलजी ने कहा सड़क चौड़ी कर दो और फटाफट सड़क चौड़ी कर दी गई, सारे अफसरों को मालूम है कि पेड़ काटने के लिए परमिशन चाहिए होती है, उन्हें यह भी मालूम है कि परमिशन नहीं है,
मगर फिर भी किसी अफसर की हिम्मत नहीं हुई। वो अफसर जो 6-6 पन्नों की नोट लिखते हैं मंत्रियों के खिलाफ, जो छोटी छोटी बातों को इशू बनाते हैं चुनी हुई सरकार के खिलाफ, उन अफसरों के अंदर इतनी सी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। उन आला आईएएस अफसरों के पास रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो अपने एलजी को बता दे कि साहब इसकी परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के पेड़ नहीं काटे जा सकते। किसी अफसर ने नहीं बताया। इससे आप दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझ सकते हैं कि क्या हालत है उनकी एलजी के सामने, क्या डर है उनके सामने एलजी का, कैसे कांपते हैं वो एलजी से कि जहां दर्जनों की संख्या के अंदर सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर दिल्ली के गए और एलजी एक डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि इल्लीगल है, किसी अफसर के अंदर यह हिम्मत नहीं कि उस इल्लीगल डायरेक्शन के बारे में यह कह दे कि यह इल्लीगल डायरेक्शन है, आपके पास परमिशन नहीं है, आप बिना परमिशन के पेड़ नहीं काट सकते और उनकी डायरेक्शन पे इल्लीगली पेड़ काटे गए। बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल मैं एलजी साहब के सामने रख रहा हूं। अब तो पता चल गया एलजी साहब को, अब तो पता चल गया ना, अब तो मैं ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका, एलजी साहब ने अपना वकील खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब एलजी साहब को पता चल गया कि इल्लीगल काम हुआ है, बिना परमिशन के पेड़ काटे गए हैं। कल ही अखबार के अंदर एक खबर छपी, आज छपी है माफ कीजिएगा, कि एलजी साहब ईस्ट दिल्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए, उन्हें चीजें पसंद नहीं आई तो ईस्ट दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखने वाले डीडीए के अफसर को तुरंत सस्पेंड कर दिया एलजी साहब ने। आपने सुना होगा, आज अखबार में छपा है। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब ने अब तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं सस्पेंड किया। भाई एलजी साहब को अगर गुमराह करके पेड़ कट गए, एलजी साहब तो बोले वाले, उन्हें नहीं मालूम था, मैं ये बात मान लेता हूं, तो फिर तो अफसरों ने गुमराह किया ना एलजी को। मुख्य सचिव को तो ये जानकारी है कि पेड़ काटने से पहले पेड़ों को काटने की परमिशन चाहिए, तो मुख्य सचिव ने गुमराह किया, एलजी साहब ने क्या एक्शन लिया मुख्य सचिव पे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट ए के सिंह ने गुमराह किया, उनको तो मालूम था कि यह परमिशन नहीं मिली, क्या एक्शन लिया उन्होंने एलजी ने अब तक उनके ऊपर। तमाम डीडीए के अफसरों को मालूम था जो उनके साथ गए थे, खुद अशोक कुमार गुप्ता मेंबर इंजीनियरिंग जो उनके साथ थे उनको मालूम था कि परमिशन नहीं है, ये तो साफ हो गया ना एफिडेविट से ही। एलजी साहब ने अब तक क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? इसका मतलब यह है सब मिले हुए। अगर एलजी साहब को गुमराह करके पेड़ कटे होते, अब तक एलजी साहब ने इनकी नौकरियों पे इनको सस्पेंड कर दिया होता। मेरा एलजी साहब से सवाल है, आपने इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि इनकी ही डायरेक्शन पे हुआ है काम, ये कार्रवाई कैसे कर दे? ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये बड़े इसलिए हो जाते हैं कि आज दिल्ली की अफसरशाही गिरवी रख दी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी की पूरी अफसरशाही गिरवी रख दी। जो काम है करने के, जलबोर्ड के काम करने हैं नहीं करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाइयां लानी है नहीं लाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक की सैलरी देनी है नहीं देंगे। हां जो लीगल काम है वो नहीं करेंगे, मगर इलीगल काम तो एलजी के इशारे पे भी कर रहे हैं, ऐसे हो रहे इशारे पे हुए, एलजी का इशारा और पेड़ पूरे काट दिए। मैं एलजी साहब से निवेदन करूंगा, एलजी साहब छुप छुप के हमले करना बंद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जवाब दीजिए, जनता आपसे जवाब मांग रही है। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।